भाई पार्सल हमें ये मिल चुका है। अब डिस्टेंस में इसका दिखाता हूँ कितना डिस्टेंस दिखा रहा है। क्यों भाई बैल बजा दिए विक्की के नाम से। 80 रुपये लेके आने हैं। 80 रुपये? हाँ 383 रुपये का है, क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं देखना है टाइम क्या हो रहा है, कहाँ का बज रहा है, किस टाइम। भाई ये पहुँच गया हूँ लोकेशन पर, ये टावर दिख रहा है इन्हीं के अंदर जाना है मुझे। मैं उधर की फ्रंट साइड में पहुँच गया था, वहाँ से एंट्री अलाउ नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। भाई निकल चुका हूँ आज पोटर करने और 12 घंटे काम करेंगे कम से कम। अभी 9 बज रहे हैं, स्टार्टिंग में निकल रहा हूँ मॉर्निंग में, ताकि जल्दी निकलूंगा तो अर्निंग हो सकती है, अच्छी हो जाए। तो चलते हैं फील्ड में और आज देखते हैं पोटर के साथ कितनी अर्निंग होगी। साथ में मैंने ओला भी रख रखा है कि जहाँ पर पोटर, मतलब कि ऐसे नहीं है कि आज अगर ऑर्डर नहीं बजा थोड़ी बहुत देर में तो ओला खोल लूंगा, नहीं, ऐसे एरिया में ओला को खोलूंगा जहाँ पर मुझे उम्मीद ही नहीं होगी पोटर की, घंटों तक कुछ नहीं बजेगा वहाँ पर ओला का यूज़ करूँगा, नहीं तो पूरे दिन पोटर ही करना है। और देखते हैं भाई साहब आज कितनी अर्निंग होने वाली है, तो फटाफट चलते हैं फील्ड में और करते हैं आज पोटर में काम भाई साहब, और देखेंगे आज कितनी अर्निंग होगी कमाल की, क्या 1400, 1300, 1200 हो पाती है या नहीं। भाई 9 बजे आईडी ऑनलाइन करी थी, मैंने सोचा यार कि फालतू क्लिपें नहीं लेता हूँ बीच बीच में कि खाली बैठा हूँ, इतनी देर हो गई, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो डायरेक्टली बता देता हूँ 3 घंटे मुझे हो गए हैं, क्योंकि 9 बजे से टाइम काउंट नहीं होता है, जो हिस्ट्री में शो करता है वो 10 बजे के बाद का ही शो करता है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पर 10 बजे का टाइम दिखा रहा है, तो 2 घंटे हो रहा है 9 बजे से लॉगिन कराया, तो मुझे 3 घंटे हो गए देवली रोड पर। भाई कोई ऑर्डर नहीं आया, सिंगल ऑर्डर भी मेरे पास में नहीं आया यहाँ पर। तो अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से बहुत बर्दाश्त हो गई, क्योंकि अगर मैं बैठे रहूँगा 3 घंटे यार बहुत होते हैं, कोई भी राइडर एक लोकेशन पे 3 घंटे नहीं बैठता है। बट मैं बैठा, मैंने कहा यार अब आए, अब बर्दाश्त से बाहर बात हो गई, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं निकल रहा हूँ भाई सीधा यहाँ से, ले अभी पिल जाता मैं निकल रहा हूँ सीधा सेलेक्ट सिटी मॉल, और मॉल पर जाकर बैठूँगा। तो भाई देखो सेलेक्ट सिटी आ गया हूँ, देखते हैं भाई यहाँ से कितनी देर में ऑर्डर आता है। भाई ऑर्डर आने से सबसे पहले तो मुझे देखनी पड़ेगी यहाँ पर शांत जगह, जहाँ पर छाया हो बैठने के लिए, शांति वांति हो। इधर का भी बंद कर रखा है इन्होंने, यहाँ भी नहीं बैठ सकते। उधर सामने खान चाचा के बराबर वाला भी बंद कर रखा है कि यहाँ भी नहीं बैठ सकते। भाई साहब 3 घंटे 47 मिनट वेट करने के बाद में ऑर्डर मेरे पास में आया है 326 रुपये का। भाई जिसमें 2 एड्रेस दिए हुए हैं, एक तो ग्रेटर कैलाश 1 लेके जाना है और फिर लेके जाना है रजौरी गार्डन। 326 रुपये ऑनलाइन पेमेंट है, यहाँ से लेना सामने जाके। तो फटाफट चलते हैं भाई पिकअप करने। एक ऑर्डर भाई देख लो पूरे 4 घंटे बर्बाद हो गए एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब 4 घंटे किसी में पेशेंस होगा कि हाँ रुक जाए, बंद करके आईडी भाग जाएगा या किसी और की आईडी खोल लेगा। और मैंने भी सोच लिया था कि आज खोलूंगा तो यही करूंगा, नहीं तो खोलूंगा नहीं, इतना ओला भी था, मैंने कहा करूंगा ही नहीं, कितना ही खाली बिठाए ऑनेस्ट रिव्यू डालूंगा शाम तक कि भाई काम मिला या नहीं मिला। हेलो भाई, बंदा तो आ चुका है भाई, मेरे को लगता है फ़ोन वगैरह ही है फ्यूचर वर्ड से, मतलब कि आईफोन वगैरह ज़्यादा जाते हैं। तो अभी लेते हैं फटाफट और बोलते हैं भाई कौन सा कहाँ का है बता दो ज़रा। अरे तेरी जैसी की तैसी, ठीक है कौन सा कहाँ का है, सेम है बाइक, बाइक सेम है, कौन सा कहाँ का है ये बता दो, लिखा है या नहीं कहाँ का है। एक जीके एक रजौरी गार्डन, पहले जीके जाएगा फिर रजौरी जाएगा। हाँ पहले जीके वन है, जीके का है ये, जीके का है, इसे पहले हैंडल में टांग लो ताकि। लो भाई पिकअप हो गया, सबसे पहले देना है हमें ये वाला, छोटा वाला, बड़ा वाला रजौरी गार्डन, छोटा जीके, बड़ा रजौरी गार्डन है ना, इसमें पर मारा है ना। हाँ इसमें अरे नहीं होगा तो क्लिप देख लूँगा, वीडियो में बोल दिया मैंने। चलो भाई चलते हैं फटाफट लेकर, तो पहले के डेस्टिनेशन देख लेते हैं कितनी दूर लेके जाना है और कितना टाइम लगे। 7 किलोमीटर है, 15 मिनट लगेंगे, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ इसको, ये रहा पूरा रूट आपके सामने, ये रहा। तो फटाफट इसको डिलीवर करते हैं और फिर निकलेंगे रजौरी गार्डन। भाई भाई ये पहुँच गया हूँ लोकेशन पर, फ्यूचर वर्ड ये रहा नीचे, शायद कहाँ गया तो दिख ही नहीं रहा, 87 है, अच्छा ये रही यार सामने तो है मेरे, मैं कह रहा हूँ कहाँ गई, सामने ही है मेरे, अंदर ले जाऊँ भैया, चेक कर लेना एक बार क्योंकि उन्होंने 2 दे रखे हैं, कभी गलती से उन्होंने गलत बता दिया हो मुझे कि ये वो वाला है। करते हैं ब्लॉगिंग, करते हैं भैया आफ्ताब किंग के नाम से। हाँ
यही है, ठीक है फिर, थैंक यू। मोबाइल नंबर तो भाई पहला ऑर्डर तो अपना डिलीवर हो चुका है, अब दूसरे की लोकेशन देखते हैं भाई कितना डिस्टेंस दिखा रहा है। पहला 7 किलोमीटर था, दूसरा हमारा 19 किलोमीटर है भाई। ये देखो कहाँ से देखो, मैप से तो चल ही नहीं रहा, ये दिखा देता हूँ भाई, चलो फटाफट लेकर चलते हैं। ओके भाई पहुँच चुका हूँ फ्यूचर वर्ड पे, दूसरे रजौरी गार्डन वाले में, और देते हैं यहाँ पर भाई साहब ऑर्डर। खोलो भाई साहब, अरे तुम्हें घर साहब साकिब सा है भैया, एंड करके देखते ट्रिप को भाई, देख लेता हूँ, बता दीजिएगा रिसेंड करो। ओके ओके थैंक यू। अरे गिर गई थी क्या? लो भाई कंप्लीट हो चुका है ऑर्डर, ऑनलाइन पेमेंट थी, कोई पैसे नहीं लेने, और डिलीवरी कोड के साथ में डिलीवर हो गया। ये लो 5-स्टार रेटिंग के साथ में कर दिया भाई मैंने इसको डन। अब देखना कमाल बजेगा ऑर्डर तुरंत, यहाँ पे रजौरी गार्डन में हो ना, यहाँ तो देखो 86 रुपये का बज रहा है भाई देखो। अरे देवा ये गड़बड़े बाबा। मजाक कर रहा है मेरे साथ, बजने दो, अगर कोई नहीं लेगा तो फिर मैं ले लूँगा। अब भाई कोई ले लो यार, इसे ले लो, ले लो कोई, अरे तुम्हारे पेट में दर्द होगा, नहीं ले रहे साहब परेशान कर रहे हो। 86 रुपये का पिकअप कितनी दूर का है भाई? 1-2 किलोमीटर होगा तो दुख नहीं होगा, ज़्यादा होगा ना तो बहुत दुख होगा, 1 ही किलोमीटर का पिकअप है। चलो चलते भाई पिकअप करने फटाफट इस ऑर्डर को, देख रहे हो डिलीवर करते ही ऑर्डर बजा, बस एक बार आईडी रनिंग में आनी चाहिए भाई। यहाँ से लेना है शायद पूजा की सामग्री कुछ ऐसा जा रही होगी। पुट भैया ये लो भाई, स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा ही सामान होगा शायद, हाँ थोड़ा भी ज़्यादा भी होगा तो ले जाएंगे, यही करना भाई। स्टार्ट कर दिया मैंने ट्रिप, अरे इतना पैक क्यों करना है भाई। पार्सल हमें ये मिल चुका है, अब डिस्टेंस में इसका दिखाता हूँ कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, और वैसे मैं फिर 27 नंबर रोड पे मार्क करूँगा। वैसे तो इन्होंने तो जो डाली है बीकानेर वाले की, 4 किलोमीटर दिखा रहा है भाई, 4 किलोमीटर दिखा रहा है, बट मुझे इससे भी और आगे जाना है, ये 27 नंबर रोड दिख रहा है, रोड नंबर 27, तो मुझे इस पर मार्क करना पड़ेगा बजाय इसके, अब मुझे अपने हिसाब से ही मार्क करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने डाली हुई है वैसी लोकेशन। तो 27 नंबर रोड, देखो मैं ऐसे भी मैप को ऐसे ही समझ जाता हूँ, कहाँ गई रोड, ये रही, ये रही 27 नंबर रोड पे जाना है मुझे, तो 27 नंबर रोड पे प्रेस करके रखा और डिस्टेंस सेट कर दिया, वो बेटी की जान 3.5 किलोमीटर हो गया, अंदर से रास्ता मिल गया, हो गया ना फ़ायदा। चलो चलते हैं फटाफट करते हैं इसको डिलीवर भाई, 4 किलोमीटर से बचा, 3.5 किलोमीटर में कहानी खत्म। देखो भाई मैं अपने अकॉर्डिंग आया था ना, तो देखो कितना सही आया हूँ, पोर्टर के हिसाब से चलता ना, देखो ये सिर्फ मैंने अपना दिमाग लगाया, देखो ये रहा सामने, मुझे फोटो दिखाई थी उन्होंने इसी बोर्ड की कि ये है घर, देखो अब पोर्टर में दिखाऊँ, अभी पोर्टर में कितना डिस्टेंस है अलग इस लोकेशन से, नया बंदा होगा भटकता रहेगा बेचारे जिसको मैप के बारे में नॉलेज नहीं है, 600 मीटर है भाई, 600 मीटर में परेशान हो जाता है बंदा, बट हमें मुझे पता था कि 27 नंबर रोड कहाँ है, तो मैंने डायरेक्ट पिन कर ली और मैं पहुँच गया हूँ लोकेशन पर। तो फ़ोन करते हैं 3rd फ्लोर पर, देकर आते भाई ऑर्डर, भाई डिलीवर कर दिया ये ऑर्डर, लिफ्ट चलने दी थी तो 4 मंजिल हो गई स्टेट से अगर हम गए तो, और अब देखते हैं क्या अवस्था है यहाँ से। ये देखो कंप्लीट हो गया, अर्निंग दिखाता हूँ अभी आपको, अपडेट होने दो कि भाई कितने की अर्निंग हो गई है, जल्दी से फटाफट अपडेट कर दे। 330 रुपये की अर्निंग हो गई मेरी भाई 1 बजे से, उससे पहले तो हमारा टाइम ही ख़राब हुआ है, 12:45 से देख रहे हो, 2 ऑर्डर लग गए, 330 का काम हो गया।
भाई मुझे लग रहा था पश्चिम बिहार दूर है यहाँ से, पर पश्चिम बिहार पास में ही है यार। 127 रुपये का ऑर्डर ले लिया मैंने, और यार ये क्या लिखा हुआ, दोनों में इमरजेंसी गेट नंबर 2 पे जाना है। लो हॉस्पिटल से लेना क्या किसी, ये देखो भाई पिकअप डिस्टेंस दिखा देता हूँ मैं यार, 2 किलोमीटर और 2.3 किलोमीटर हो गया भाई, 7 मिनट लगेंगे। लंबा ही पिकअप हो गया एक तरीके से, जितने का ऑर्डर है 2 किलोमीटर का पिकअप उस पर ठीक है, जो ऑर्डर 200, 250, 300 का हो। और ये 100 रुपये 150 वाले ऑर्डर है ना, इनमें तो पिकअप 1-2 किलोमीटर से कम ही हो ज़्यादा बढ़िया है। चलो कोई नहीं, फटाफट चलते हैं और पिकअप करते हैं इस ऑर्डर को एजेंसी गेट पर आगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, देख लेते हैं। आइए ठीक है सर। चलो भाई इसका डिस्टेंस एक बार दिखा देता हूँ, कैमरा इसमें फिट करवा रखा है। हाँ फिट कर रखा है। कितने का है ये? 45 का। 45,000। हाँ इससे क्या होता है कैमरे से? मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूँ। हाँ यूट्यूबर हाँ बढ़ेंगी बस ऐसे है ठीक है। 25,000 है भाई, 8.1 किलोमीटर है, 21 मिनट लगेगी, तो फटाफट करते हैं यार कंप्लीट बिना किसी देरी के भाई इस ऑर्डर को। मौसम ख़राब सा हो गया, बारिश वारिश भी आ सकती है भाई, कुछ भरोसा नहीं है मौसम का, पर मज़ा आ रहा है भाई, ठंडा मौसम हो गया एकदम गजब। चलो भाई इसे अंदर देखे आते हैं, अंदर हेलमेट भी अलाउ नहीं है, अंदर बाइक भी अलाउ नहीं है, सामने ही है 2-3 घर छोड़ के, तो दे आते हैं इसको, डिलीवर करके आते हैं अंदर और फिर आपको दिखाते हैं भाई साहब इसे, फटाफट करते हैं कंप्लीट। ये लो भाई ऑर्डर हो चुका है अपना कंप्लीट, 107 रुपये कस्टमर से ले लिए। अरे मेरे से पूछ रहा है दुकान या गोदाम, अरे यार क्यों पूछते हो यार मेरे से दुकान या गोदाम, कुछ देते हो नहीं तुम इसका, हमें नहीं बताओ कुछ भी नहीं है। ये लो भाई 3 ऑर्डर हो गए अपने कंप्लीट, और अर्निंग अभी आपको दिखा देता हूँ कितनी हो गई है, 3:08 हो रहे हैं आप देखोगे तो, नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं। 432 रुपये की अर्निंग हो गई भाई 3 ऑर्डर में, 432 जो ऑर्डर आया मैंने कंप्लीट किया 3 ऑर्डर, मतलब कि मैं ऑर्डर कोई मिस नहीं कर रहा हूँ। बाकी आने दो, नेक्स्ट ऑर्डर को देखते हैं कितनी देर में आता है। भाई ग्लव्स पहन नहीं रहा था इतने में ऑर्डर भी आ गया, जैसे मैंने कैमरा ऑफ किया ऑर्डर बच गया मेरे पास में, ऑर्डर क्या बच गया, ऑर्डर बचा 80 रुपये का भाई। ये पिकअप दिखाता हूँ कितनी दूर से पिकअप है, 80 का ऑर्डर, 1.5 किलोमीटर का पिकअप है। चलो करने चलते हैं पिकअप इस ऑर्डर को। ओ भाई कितना भयंकर मौसम हो रहा भाई, गजब यार, एकदम मज़ा आ रहा है यार, एकदम ठंडा मौसम, पर बारिश ना पड़े यार, नहीं तो इतना गजब का मौसम हो रहा है। मुझे लगता है अब रेन कवर भी मोबाइल वाला रखना पड़ा करेगा बैग में, क्योंकि पता नहीं किस दिन क्या हो जाए भाई। ओहो गजब यार, नहीं जंप नहीं मारनी भाई, रेड लाइट रूल फॉलो करो, वैसे ये फॉलो क्या करो, पट्टी तो वहाँ है, मैं तो आगे आ गया हूँ, गलती हो गई माफ़ी चाहता हूँ, बट रूल फॉलो किया करो, सिग्नल हमेशा फॉलो किया करो। पोर्टर बुक हुआ है भैया विक्की, अंदर भी है इसके अंदर जाके, शुक्रिया अंकल। तो भाई गलत जगह पहुँच गया था, वो कह रहा अंदर जाके भी है शिवम सर्जिकल, कहाँ है, अच्छा ये रहा यार, सही है। ओ ये कुछ और है मामला, पोर्टर बुक है भैया विक्की बंसल ने बुक किया। ये है ना ठीक है, ये लेके जाना है भाई, इसको पीछे टांग लूँगा और स्टार्ट करो ट्रिप को। ये क्या दे दिया भाई, ऐसे टांग लेता हूँ ये। कितने डिस्टेंस दिखाता हूँ इसका, कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, 3 किलोमीटर है भाई, मतलब जिधर से आया उधर ही जाना है वापस, ये सही था बढ़िया। चलो पिकअप कर, वो पिकअप कर डिलीवर करने चलते हैं, 9 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा भाई इसको। तुमने कोई चीज़ नोटिस करी मेरी वीडियो में जो अभी तक आपने देखा, कुछ चीज़ नोटिस करी हो तो बताओ। मैंने अभी ये ऑर्डर पिकअप किया है आपके सामने, बताओ यार दिल्ली के लोगों का इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट है सभी पे, जाके मैंने सिर्फ बोल दिया पोर्टर से आया हूँ, इन्होंने बुक किया है पार्सल दे दो, ना तो कोई बाइक नंबर चेक करना कि भाई बाइक कौन सी है, ना मेरा नाम पूछना आप कौन हो या आपका नंबर क्या है, कुछ नहीं, मैंने कोई कॉल भी नहीं करी थी, जाते ही बोला पोर्टर बुक हुआ है इस नाम से, मतलब इतना ट्रस्ट है लोगों को इस टाइम पे कंपनी पे भाई, सीधा जाओ चुपचाप देते, पूछते भी नहीं है भाई, ऐसा ट्रस्ट भाई साहब देखा नहीं होगा तुमने भाई, कहीं भी जा रहा सीधा बोले ये पार्सल है इसके नाम से, चुपचाप उठा के दे देते, तो कोई नहीं देख रहा, बस वही है कि पहले वाले ऑर्डर में थोड़ा महंगा आइटम था तो पहले में चेक किया उन्होंने बाइक नंबर मैच वैच की,
बाकी नॉर्मल आइटम में तो पूछ ही नहीं रहा कोई, क्या है भाई, कौन है तू, क्या है, बस नाम ले लो जाके सामान मिल जाता है आपको, ले जाओ, पैसे कहाँ मिलेंगे, जहाँ दोगे वहाँ मिलेंगे, ऐसा हो रहा है भाई साहब, इतना ट्रस्ट है। कई बार इसी ट्रस्ट के चक्कर में धोखा खा जाते हैं, कुछ लोग फ्रॉड कर देते हैं, सामान लेके भाग जाते हैं। तो भाई थोड़ा चेक भी कर लेना चाहिए, बाइक वाइक तो चेक कर लो, या फिर नाम वाम तो पूछ ही लो बंदे से कि कौन हो आप, या ऑर्डर देख लो, ज़्यादा सबसे बढ़िया बात है भैया पोटर ऐप में ऑर्डर दिखा दो, ट्रिप स्टार्ट करके दिखा दो, ये चीज़ें ये थोड़ा सा होना चाहिए लोगों के अंदर कि हाँ भाई इतना तो कर लो ना, कि ये ट्रस्ट भी ठीक है, टाइम बचता है, बाकी होना चाहिए यार लोगों के अंदर इतना थोड़ा सा तो होना चाहिए कि भाई हमारी चीज़ जा रही है, हम कम से कम उसे चेक तो कर लें, क्रॉस वेरीफाई तो कर लें कि ठीक बंदा आया है या नहीं। ये पहुँच गया भाई लोकेशन पे, पता नहीं लोकेशन सही है या गलत, बाकी हाँ हर्ष विहार लिखा हुआ है, हर्ष विहार के बाहर तो पहुँच गया, पहुँच गया भाई, बैल बजा दिए। विक्की के नाम से 80 रुपये लेके आने हैं, हाँ मौसम जबरदस्त, एंड कर देता हूँ ये रहे 80 रुपये। हेलो हेलो भाई, कंप्लीट हो गया, 100 का नोट जिंदा, क्या बोला तूने, डॉल कर लिया मैंने वैसे, ये ट्रिप कंप्लीट, अर्निंग हो गई होगी भाई 500 रुपये की, बड़ी मुश्किल से भाई 500 रुपये हाथ में आ रहे हैं, देख रहे हो कितनी मेहनत, कितने घंटों तक खाली बैठना, 500 भी नहीं, 4 रुपये कम रह गए, ओ माय गॉड सिट, 4 रुपये कम रह गए, 496 का काम हो गया। चलो अभी मिलता हूँ कुछ ऑर्डर के बाद में, कुछ ऑर्डर कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारे ऑर्डर दिखा दिए छोटे बड़े सब, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आपसे 5:30 या 6 बजे। A few moments later. ओ भाई बारिश आ गई खतरनाक वाली, ऑर्डर भी खोलना यार, अभी तो बाइक में चाबी भी लग रही है, चार्जर भी खराब, जल्दी फटाफट निकालता हूँ भाई। भाई अर्निंग देखोगे आप पोटर में 694 रुपये की हो गई, बारिश आ गई थी भाई खतरनाक वाली, इस चक्कर से मुझे जितना पड़ गया था। और भाई मैंने GoPro निकाल के रख लिया था अपना बैग के अंदर, और यहाँ पर डिलीवर किया मैंने, देखो भाई साहब सब कुछ ऐसे उल्टा सीधा हो रहा था, ग्लव्स व्लव्स निकाल के बैग में रख लिया था, ये साइड में पूरा भीग गया, सारा हिसाब किताब बिगड़ गया पूरा। 8:58 हो रहा है, मतलब कि ये सोच लो 9 बज रहे हैं, और मैंने ये ऑर्डर ले लिया, पता है कहाँ का ऑर्डर, भी तुम कहोगे यार तुमने ये कहाँ का ऑर्डर ले लिया, ये ऑर्डर लिया मैंने भाई गाजियाबाद का, ये फंस गया सी है, 383 रुपये का है, क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं देखना, टाइम क्या हो रहा है, कहाँ का बज रहा है, किस टाइम, अरे कोई मतलब ही नहीं है, पैसे कमाने जैसे तैसे करके। भाई 34 किलोमीटर है और 51 मिनट लगेंगे, तो ये ठीक है ना, टाइम कम लग रहा है। ओ तेरी भाई साहब, ये तो मुझे बहुत आगे ले गया, अभी क्या कर रहा है, तो ऊबर, हाँ ऊबर डाउनलोडिंग पे लगा दिया था मैंने, तो भाई आते हुए कुछ नहीं बजेगा या नहीं बजेगा इस चक्कर से, तो चलो भाई साहब चलते हैं फटाफट इसको डिलीवर करने। भाई भाई ये पहुंच गया हूँ लोकेशन पर, ये टावर दिख रहे हैं, इन्हीं के अंदर जाना है मुझे, मैं उधर की फ्रंट साइड में पहुँच गया था, वहाँ से एंट्री अलाउ नहीं है, अब इधर आया हूँ मैं घूमते घामते, हाँ डिलीवरी बॉय की एंट्री इधर से है भाई, तो एंट्री कराते हैं पहले, चलते हैं फिर। भाई बाइक अलाउ नहीं कर रहा था, मैंने बोला भाई 25-30 किलो का सामान है कैसे लेके जाऊंगा, तो बोले ठीक है ले जाओ फिर कहीं कहीं दिमाग में लगाना पड़ता है, नहीं तो भाई पैदल जाना पड़ता बहुत लंबा अंदर तक। भैया आ गई अपने लिफ्ट, अभी फंस जाता तुम्हारा भाई लिफ्ट में, वो भाई किस फ्लोर से दबाना है मुझे, कहाँ गया भाई, एस ग्राउंड तो कहीं लिख नहीं रहा, यू जी दबा देता हूँ, अपर ग्राउंड शायद यही होगा, 1 भी दबा देता हूँ, अगर 1 पे खुलेगी ना, तो देखो भाई जा रहा हूँ, ऑर्डर हो चुका है कंप्लीट आपके सामने, इसको करता हूँ 5-स्टार रेटिंग के साथ में डन। भाई पार्सल डिलीवर हो चुका है अपना, और टाइम हो रहा है 10:18, और घर मेरा दिखा रहा है यहाँ से 30 किलोमीटर और 50 मिनट लगेंगे जाने में, 50-55 मिनट, तो अब मैं खींच के सीधा घर निकल रहा हूँ, रास्ते में कोई भी राइड आती है तो उसे कंप्लीट करूँगा, नहीं तो सीधा निकल रहा हूँ भाई अब घर। भाई अब पहुँचा हूँ अपने घर, ये देख टाइम दिख रहा है 11:18, और मीटर की रीडिंग हो गई भाई 10,194।
तो भाई काम करके आ चुका हूं मैं अपने घर। अब बात कर लेते हैं टोटल टाइम और टोटल अर्निंग की। सुबह 9 बजे आईडी लॉगिन करके मैं निकल गया था ऑनलाइन करके, और भाई साहब शुरू के 4 घंटे तक मेरे पास में कोई ऑर्डर नहीं बचा था। उसके बाद में 1 घंटा मेरा बारिश में खराब हुआ, बारिश जब पड़ी तो मुझे रुकना पड़ा 1 घंटा ऑर्डर के साथ में ही, और 1 घंटा मुझे आने में लगा। तो लगभग अगर खाली खाली की बात करी जाए तो 6 घंटे तो हमारे यूं ही बर्बाद हो गए। और मैंने टोटल काम किया 14 घंटे सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। भाई मैं 11 बजे घर पहुंचा हूँ, 11:15 बजे, तो ये भाई 14 घंटे हो गए एक तरीके से। और 14 घंटे में 6 घंटे हमारे यूं ही बर्बाद चले गए, तो देखा जाए तो हमने फिर 8 ही घंटे काम किया है, पर हम सारा ही जोड़ेंगे भाई क्योंकि फील्ड में पूरा टाइम दिया है। तो अगर इन 6 घंटे में भी काम मिलता तो अर्निंग और अच्छी हो सकती थी। तो भाई टोटल अर्निंग की बात कर ले तो 1381 रुपये के समथिंग अर्निंग हुई, और 1 पे 20 रुपये एक्स्ट्रा मिले थे, 20 या 22 रुपये, तो कुल मिलाकर 1400 रुपये की अर्निंग हुई। और बाइक भाई साहब बहुत ज़्यादा चल गई है, बाइक चली आज 186 किलोमीटर, 186 किलोमीटर, जिसमें लगभग दोनों के अराउंड समथिंग खाने के और पेट्रोल की बात करें तो 400 रुपये खर्च हो गए दोनों के मिलाकर, तो 1000 रुपये बचे भाई आज काम करके। बाकी भाई शुरू में आपने देखा होगा मैं 4 घंटे तक कैसे बैठ रहा, कोई भी नहीं बैठ सकता 4 घंटे बैठ के, बंदा बोला कुछ आ ही नहीं रहा, ऑर्डर बज ही नहीं रहा, तो भाई क्या करूं मैं, घर निकलूं। पर मैंने सोचा नहीं भाई, जो होगा आएगा, बैठा रहा मैं किस्मत के भरोसे, और भाई जो देखा आपने कि काम हुआ। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो काफी लंबी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब इस तरीके की अर्निंग हर वीडियो में मिलेगी आपको।